इन्फोसिस ने वापस अपनी हायरिंग निकाली है 2022 में और अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे 2019 से लेके 2022 के जितने भी फ्रेशर्स हैं सभी एलिजिबल है। और गाइज यहाँ पे जो रोल है वो भी दो दिए गए हैं, सबसे पहला है आपका सिस्टम इंजीनियर एंड दूसरा वाला है आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो यहाँ पे डिग्री एलिजिबल है वो है बीई, बीटेक, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, एमसीए, डिप्लोमा। डेफिनेटली यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोनों ही रोल्स के लिए वो अलग अलग है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आपका जो पास आउट ईयर है वो 2019, 20, 2021 या फिर 2022 में जो पास आउट होने वाले हैं ये सारे के सारे ही फ्रेशर्स यहाँ के एलिजिबल है। और यहाँ पे जो जॉब लोकेशन आपको दी जाएगी वो अक्रॉस इंडिया हो गई, इन्फोसिस के ऑफिस काफी सारे जगह पे है तो आप अपना पास वाला चूज कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस लेवल एज अ फ्रेशर मांगा है, मतलब 0 to 1 ईयर का मांगा गया है। तो चलिए अभी रोल के हिसाब से हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेम पड़ जाती है, कि आपका ईयर ऑफ पासिंग 2019 से लेकर 2022 के बीच में होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बीकॉम के जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए 2020 या फिर 2021 में ही, इन्हीं 2 साल के बीकॉम के ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। और आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, खासकर जो 2022 में ग्रेजुएट होने वाले हो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका हायरिंग के टाइम पे मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिस्टम इंजीनियर्स। तो यहाँ पे बीई, बीटेक, एमई, एमटेक किसी भी डिसिप्लिन का हो सभी के सभी एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आपने एमसीए किया है या फिर एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, आईटी में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में तो आप एलिजिबल है सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी टेक्निकल डिग्रीज है सभी एलिजिबल है सिस्टम इंजीनियर के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए जितने भी डिग्रीज है लाइक बीसीए होगी आपकी, बीएससी होगी, बीकॉम होगी, ठीक है, बीकॉम में 2020 एंड 2021 वाले ही सिर्फ, तो डिप्लोमा हो गया जिसने किया डिप्लोमा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब ब्रांचेस से जिसने डिप्लोमा किया ये सब भी एलिजिबल है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो कंपनसेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो है 3.6 एलपीए फॉर सिस्टम इंजीनियर्स और यहाँ पे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 2.2 एलपीए है। और गाइज वैसे तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम मार्क्स वैसे मेंशन नहीं किया है, बट अगर आपका 60% से ऊपर है या फिर 60 GPA से ऊपर है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल होते हैं। ऑलमोस्ट हर हायरिंग में ये वाला क्राइटेरिया रहता है तो आप यही मान के चल सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बेसिकली 2 राउंड होंगे। सबसे पहला है आपका ऑनलाइन टेस्ट जिसमें आपका एप्टीट्यूड से लेके यहाँ पे सूडो कोड्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह आता है। और उसके बाद इसको क्लियर करने के बाद आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा और अगर आप उसको भी क्लियर कर लेते हो तो आपको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। यहाँ पे अप्लाई है वो आपको अलग अलग करना पड़ेगा फॉर सिस्टम इंजीनियर्स एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। तो इन दोनों का ही मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्टली आप जाके वो सर्वे फॉर्म जो इंफोसिस का है वो भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा ये है लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है फॉर एग्जांपल सिस्टम इंजीनियर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इसको क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ये आएगा एक कंसेंट फॉर्म, तो आपको बस एग्री कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है और उसके बाद आप इस जो यहाँ पे इंफोसिस का जो फॉर्म है इस पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन भरना है, ठीक है, जैसे कि नाम हो गया, लास्ट नाम हो गया, आपका प्राइमरी एड्रेस हो गया, फिर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी भरना है और आपका अगर रेज्यूमे नहीं है अभी तक तो बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रेज्यूमे बना लीजिए। आपको एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना है जो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको और भी डिटेल्स भरनी है और उसके लास्ट में फिर आपको नेक्स्ट पेज कर देना है और इसी तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। और सेम यहाँ पे जो दूसरा लिंक है वो आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए है, जो बीएससी एंड बीसीए वाले जो है उनके लिए और डिप्लोमा वालों के लिए भी। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस मौका को आप छोड़िए मत, ग्रैब करिए और आप इंफोसिस में एक जॉब ले सकते हैं।